भी आपको ऐसी चीज मिले तो आप इसे क्या कहोगे? जन्नत? यार इतने दिनों से मैं इसके पीछे पड़ा था, बना दे और आज जाके बना है ये फाइनली केक। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की कहानी की शुरुआत हो रही है रात को और अभी बहुत सारी पैकिंग बाकी है क्योंकि हम फाइनली हम जा रहे हैं दिल्ली। ट्रेन बुक है, बस पैकिंग करनी। सबसे बेकार काम होता है ये पैकिंग करना, क्योंकि इधर से उधर घूमते रहो पैकिंग, सारा सामान जो है ना पूरा बिखरा हुआ पूरा। अब पैक करते हैं, क्या करें, मजबूरी का नाम तुम्हारा भाई। गाइस गुड मॉर्निंग, तो हो चुके हैं सुबह के 10 और भोपाल हम छोड़ चुके हैं और अभी हम बैठे हुए हैं एज यूजुअल ट्रेन में। दिखाता हूँ नज़ारे आपको, और सुबह होते से नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई साहब, जो नींद लगी ना सुबह उसके बाद अभी जाके नींद खुली है, लेकिन नज़ारे तो यार बहुत ज़्यादा शानदार हो रहे हैं। भाई ऊपर मंदिर बना हुआ है यार, क्या सही लोकेशन है यार। वो देखो एक ट्रेन क्रॉस कर रही है ऊपर से और हम निकलेंगे नीचे से। ये पुल था वो ट्रेन का ही, और यहाँ से नीचे क्रॉसिंग वाली चीज़ें होती है ना, बड़ा मज़ा आता है। तो गाइस अब निकल रहे हैं चंबल नदी के ऊपर से, और देखो क्या व्यू आता है यार। और वो है चंबल घाट और ये चंबल नदी। यार ऐसे व्यू के लिए तो इंसान मर जाता है, देखते ही जाओ ऐसे व्यू, सुकून है यार। यही तो फायदा होता है अगर ट्रेन से सफर कर रहे हो, आजू बाजू जो ऐसे व्यू देखने मिलते हैं ना, द इनक्रेडिबल इंडिया, वही वाली बात आ जाती है। और गाइस एक और खासियत बताता हूँ आपको, चंबल की जो घाटियाँ हैं ना, घाट ये सिर्फ चंबल में मिलेंगी, कहीं और जाओगे ना नहीं देखने को मिलेगा। इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते कट के बने हुए, बहुत ही अलग है, पूरा घाट सेक्शन अलग ही है। जो मैं आपको बात बता रहा था ना, अब देखो यार ये घाट सेक्शन, देखो ये वाला, देखो पूरे चंबल का एक घाट दिख रही है, इस चंबल की घाट ये है, इस चंबल की देखो अलग है ना। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हम दिल्ली और अब जा रहे हैं हम गुड़गांव की ओर। तो गाइस सुबह की शुरुआत हो रही है एक और नई जगह से, और अभी हम हैं चौधरी स्वीट में जो कि है गुड़गांव में, और यहाँ मिलता है सबसे स्पेशल वाला नाश्ता और आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमने ले लिया यहाँ का स्पेशल समोसा, प्याज वाली कचौड़ी और ये जलेबी। गाइस इसको खाते हैं, मतलब मैं इगली वेट कर रहा हूँ, मतलब ऐसा चीज़ है कि ये रुक नहीं सकता इंसान। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसमें डालते हैं ग्रीन चटनी और उसके साथ डालते हैं लाल वाली चटनी। तो गाइस अब ट्राई करते हैं यहाँ की कचौड़ी, लेट्स हैव अ टेस्ट। भाई मज़ेदार था, प्याज वाली कचौड़ी के साथ हरी चटनी और लाल, भाई जो इनका मसाला है ना वो भी बहुत अच्छा है। मेन जो होता है मसाला ही होता है प्याज वाली कचौड़ी में, और इनका मसाला है वो मस्त चटपटा वाला, मतलब आपको खाने के बाद मज़ा आ जाए, वो चीज़ है। और साथ में आपको मिलती है गरम गरम, भाई साहब पूरा कुरकुरा वाला टेस्ट होता है ना वो है, कचौड़ी और समोसा और जलेबी का भाई अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन, कोई ना कोई तोड़ नहीं सकता। अब तोड़ते हैं समोसे को, और मेन सेटिस्फाई चीज़ यही होती है समोसे का तोड़ना, देखो मस्त।
अब लेते हैं इसमें रेड वाली चटनी जो कि बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी है, और साथ में लेते हैं ग्रीन चटनी और इसको टेस्ट करते हैं। तो लेट्स हैव अ टेस्ट, समोसे का टेस्ट देखते हैं भाई। समोसे को देख के ना अरे किसी के मुंह में पानी ना बस आ ही जाता है। देखो मसाला, देखो यार मस्त मसाला ही यहाँ के मसाले में, जो छोटी छोटी जो मटर मिलती है ना, और समोसे के अंदर जो मटर होती है ना, सुकून का इक्का होती है भाई। ये समोसे के अंदर मटर डाली हुई है, मज़ेदार। यहाँ का मसाला देखोगे आप, यहाँ पर जो सब्ज़ी बनती है ना वो वाला मसाला है, मतलब उसको तड़का लगा के फ्राई करके वो वाला है। एक सादा मसाला भी आता है और ये भी, लेकिन ये वाला मसाला बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त लग रहा है यार। देखो साथ में जलेबी, वो भी कुरकुरी वाली, मज़ेदार। फाइनली हमने समोसा कचौड़ी और जलेबी खा ली है और मज़ा आ गया यार, मतलब पेट इतना फुल हो गया ना, अब कुछ खाने की इच्छा तो है नहीं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपको मज़ा आया होगा वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अलग ही लेवल के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।